स्वागत। इस समय हम लोग बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान में हैं। ये बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान नागपुर से लगभग 10-11 किलोमीटर की दूरी पर नागपुर जबलपुर रोड पर है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बुद्ध रूप। ये बुद्ध रूप यहाँ इस बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान में एक कलाकार ने बनवाकर दान किया है। ये कलाकार भी जाहिर सी बात है कि बुद्ध से प्यार करते हैं, धम्म से प्यार करते हैं, संघ से प्यार करते हैं। और ये जो बुद्ध धम्म और संघ से मोहब्बत करते हुए जीने का जो सलीका है, वो सलीका जिस भिक्खु संघ से आता है, उस भिक्खु संघ को भारत में स्थापित करने वाले यानी कि भारतीय भिक्खु संघ के जो संस्थापक अध्यक्ष रहे डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी, उन्होंने विकसित किया हुआ ये संस्थान है। और ये संस्थान में इस समय डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी, इनके जन्म दिवस पर ये कार्यक्रम चल रहा है, उनकी जयंती का। आप सुन पा रहे होंगे पीछे बैकग्राउंड में इसकी आवाज़ आ रही है, लेकिन हम हमारे जो सहयोगी हैं चंदू जी, तो चंदू जी से मैं निवेदन करूंगा कि चंदू जी हम इस तरफ चलें ज़रा। ये देखिएगा, ये है यहाँ 28 बुद्धों की प्रतिमाएँ। आपको बताएं कि 28 बुद्धों की प्रतिमाएँ, इसका ये मतलब हुआ कि जैसे बौद्ध साहित्य में आप देखते हैं कि 28 बुद्धों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध इन 28 बुद्धों के लिए अभिवादन और नमन भी करते हैं। इनका उल्लेख स्वयं तथागत गौतम बुद्ध ने किया है, अलग अलग बौद्ध साहित्य में ये ज़रूर मिलता है। लेकिन बौद्ध उनकी परंपरा में ये ज़रूर कहते हैं, एच बुद्धा अतीता च एच बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहंग वंदामी सबदा। तो ये जो बात है कि अब से पहले हुए बुद्ध, वर्तमान के बुद्ध और आने वाले वक्त के बुद्ध, इन सब का ये जो अभिवादन है, ये अभिवादन इस गाथा के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा होता है। ये देखिएगा, तलंग करो महावीरो, ये उल्लेख मिलता है। मेधं करो महायसो, शरणं करो लोकहितो, दीपं करो ज्युतिंधरो, कौंडिन्यो जन पामुख, मंगलो पुरी सासभो, सुमनो सुमनो धीरो, रेवतो रति वड्ढनो, सोभितो गुण संपन्नो, अनोमदस्सी जनुत्तमो, पदुमो लोकपज्जोतो, नारदो वरसारथी, पदुमुत्तरो संतसारो, सुमेधो अग्गपुग्गलो, सुजातो सबलोकज्ञो, पीयदस्सी नरासभो, अथदस्सी कारुणिको, धम्मदस्सी तमोनुदो, सिद्धत्थो असमो लोको, तिस्सो वरदंसं वरो, माफ कीजिएगा, तिस्सो वरद संवरो, फुस्सो वरद संबुद्धो, विपस्सी च अनुपमो, सीखी सब ही तो सत्था, विश्वभू सुखदायको, ककुसंधो सत्वाहो, कोणागमनो रणय्य हो, कश्यपो श्री संपन्नो। और इसके बाद ये तो हो गई 27, और इसके बाद मिलते हैं गौतमो सत्य पुंगवो, तथागत भगवान गौतम बुद्ध। तो ये जो 28 बुद्धों का उल्लेख जो बौद्ध साहित्य में मिलता है, ये उनके रूप, 28 बुद्धों के ये प्रतीकात्मक रूप यहाँ इस जगह बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान में इस तरह से स्थापित किए गए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो बिल्कुल पीछे आप जो देख रहे हैं, ये है डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन, इनकी स्मृति में बन रहा अभी ये निर्माणाधीन स्तूप है। ये चैत्य है और इस चैत्य का निर्माण अभी हो रहा है, ये बिल्कुल यहाँ से जो आप देख रहे हैं। और इस चैत्य के निर्माण में अब और थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन हम आपको बताएं कि डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन, इनको उनके सारे कार्य के लिए जिस तरह से लोग अलग अलग रूपों में जानते हैं, उनका एक रूप ये भी है कि वे अपनी बात को बड़ी सहजता से समझाते हैं, बड़ी सरलता से समझाते हैं। हिंद के मूर्धन्य साहित्यिक कहा जाता है उन्हें,
और ये जो हिंदी के मूर्धन्य साहित्य कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें ये भी कहा जाता है कि वे बौद्ध साहित्य के प्रकांड विद्वान हैं। अब ये बौद्ध साहित्य के प्रकांड तिब्बती में था और वहाँ से तिब्बती सीखकर, सेहली सीखकर, पाली सीखकर, संस्कृत सीखकर, इन सारी भाषाओं को सीखकर डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, भिक्षु जगदीश काश्यप, इन सब ने मिलकर इस बौद्ध साहित्य को हिंदी में लेकर आए। और ये केवल हिंदी साहित्य की सेवा नहीं है, बल्कि हिंदी के उन सारे पाठकों की भी सेवा है और उन सारे लोगों के लिए जिनके पास बौद्ध साहित्य, बुद्ध वचन उपलब्ध नहीं था, उन्हें उन्होंने हिंदी में उपलब्ध करा दिया। और इस दृष्टि में डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का ये जो योगदान जाता है, ये योगदान बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आज उनका जयंती दिवस मनाया जा रहा है, आप शायद आवाज़ ये सुन रहे होंगे जहाँ मुख्य कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी, उनकी जो समझ है, वे हिंदी साहित्य को बड़ी सरलता से और बड़ी सहजता से व्यक्त भी करते हैं। उन्होंने बुद्ध वचनों को बड़ी सहजता से व्यक्त करने की कोशिश की है। साहित्य के क्षेत्र में उनके उनका जो योगदान है, वास्तव में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। फिर चाहे उनके भिक्षु के पत्र हो, चाहे उनके छोटे छोटे स्फुट लेखन हो, उन्होंने कई आर्टिकल्स लिखे हैं, लेकिन पुस्तकें उनकी कई हैं और अनुवादित पुस्तकें जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित जो ग्रंथ है, द बुद्ध एंड इज धम्मा, इसका हिंदी में तो अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने किया है, लेकिन उसका पंजाबी में भी अनुवाद किया है। और समय समय पर जब भी उनको वक्त मिला, उनकी पूरी हयात में उन्होंने बुद्ध और उनका धम्म लोगों तक बड़ी सहजता से पहुंचाने की कोशिश की है। उन्होंने उसे किसी ऐसी जगह से नहीं लेकर आए कि जिसके शब्द ना समझे, जो सुनने में बड़ा कठिन लगे। उन्होंने बुद्धिज्म को बड़ा सहजगम में बनाया, उसे बुद्धिगम में बनाया, और यही भंते जी की खूबी थी। लोग कहते हैं भंते जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान हैं, लोग कहते हैं कि बौद्ध साहित्य के डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी प्रकांड पंडित हैं। हाँ, वे तो है ही, लेकिन उनके बड़ी ख़ास उनके स्वभाव की खूबी थी कि वे बड़े सामान्य व्यक्ति को उसकी सामान्य भाषा में और एक विद्वान को उसकी विद्वत्ता की भाषा में बिल्कुल सहजता से समझा देते थे। आपके पास में हजारों सवाल हो सकते हैं, भंते जी का दावा था, मैं आपका समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन इसका एक छोटा सा उत्तर आपको आपके पास पहुंचा सकता हूं। आपको ठीक लगे तो ले लें, न लगे तो छोड़ दें। उनका बौद्ध धर्म बुद्धिवादी अध्ययन, बुद्धिज्म की स्टडी करने के लिए एक बड़ा अच्छा पुस्तक है, और ये पुस्तक पूरी दुनिया में इसको माना जाता है। बाबा साहेब पर एक छोटा सा पुस्तक उन्होंने लिखा है, लेकिन इतना मार्मिक पुस्तक है कि यदि बाबा न होते, इसके शुरुआत में ही जब इसको लिखते हैं तो अपने मनोगत में वे लिखते हैं कि ये सवाल, इस सवाल का तो कोई खास मतलब नहीं है कि ये न होता, वो नहीं होता तो क्या होता, यदि बाबा न होते तो क्या होता, ये कोई सवाल नहीं होता, लेकिन मैं इसे सवाल बनाकर कुछ लिखना चाह रहा हूँ कि यदि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर न होते तो क्या क्या चीज़ें न होती, ये वो समझाते हैं और उस पुस्तक में लिखते हैं। आज भंते जी को उनके जयंती दिवस पर अभिवादन करते हैं इस बुद्ध भूमि खैरी से, जो कि डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन द्वारा स्थापित ये बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान है। तो यहाँ रुकते हैं।